अगर आप जिम जाते हैं ना, या जिम गए हो किसी ज़माने में, तो या जिम जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप वैसे जाते हैं जिम, पता नहीं क्या बोलो, लेकिन अगर आप जिम जाते हैं और आपको खाली जिम मिलता है, और अगर आपने खाली जिम में वर्कआउट किया हो ना, वो जो फीलिंग है, नथिंग बीट्स दैट फीलिंग। यार जैसे साइकिलिंग वो एक्टिविटी है कि आप कोई भी स्पोर्ट उठा के देख लें, फुटबॉलर हो, टेनिस प्लेयर हो, क्रिकेटर हो, साइकिलिंग ज़रूर कर रहे हो। तो आज भी यार मैंने वर्कआउट साइकिलिंग से शुरू किया, क्योंकि काफ़ी ना फैट भी जमा हो चुका है, तो चर्बी पिघलानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और यार पिछले कुछ टाइम से ना मेरा वेट बड़ा अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा था, पिछले साल आई थिंक 2022 में मेरा वेट कुछ 77 था, फिर 84 हो गया, फिर मैं उसको वापस 81 पे लाया, अभी पता नहीं कितना 81-80 ऐसे ही होगा। बैंक मशीन है नहीं, भी ख़राब पड़ी है, लेकिन यह है कि वेट से मुझे इतना मसला नहीं है, बस जो भी हो अंदर से ना फील अच्छी आनी चाहिए कि भाई बंदा फिट है। टाइम हो गया, मैं कहता अंदर से फील अच्छी आनी चाहिए, सिक्स पैक सैब्स वगैरह कुछ, रोनाल्डो लेवल तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर ये है कि थोड़ा बहुत भी हो जाए चलेगा, फिट रहना मांग दे अपने को भाई। आज मैंने कुछ ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं किया, खाली सिर्फ साइकिलिंग, क्योंकि थोड़ी सी चर्बी मेल्ट करनी है, और एक आध चेस्ट की एक्सरसाइज और एब्स की। ज़्यादा टाइम ही नहीं था मेरे पास, थोड़ा लेट आया था मैं जिम, और अब जिम बंद होने का टाइम आ गया, तो करते रहेंगे, सिक्स पैक्स भी बनाने इंशाल्लाह। अब तो वैसे व्लॉग में बोल दिया तो थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी, तो अगर बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लेट्स सी कि वेयर दिस फिटनेस जर्नी टेक्स अस। जिम बंद होने का टाइम हो गया, तो मैंने घर बाद में जल्दी जल्दी सी यू। हाँ भैया, तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, कल हमने गया था जिम, आज हम आ गए हैं नेट्स की तरफ, और यह है कि थोड़ी लाइन लेंथ की प्रैक्टिस करेंगे, हाथ भी घुमाना है, गेटिंग बैक इन फॉर्म, थोड़ा रिदम पे फोकस करते हैं, कोई बैट्समैन नहीं होगा तो अच्छी तरह हम थोड़ा नेट्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने करना है वार्म अप, तो वार्म अप कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। वार्म अप तो हो चुका है, अब थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ा एक्शन हो जाए, क्योंकि सिर्फ लाइन एंड लेंथ की प्रैक्टिस करनी है, पेस वेस मतलब थोड़ा बढ़ाएंगे, और इन स्विंग आउट स्विंग की फिक्र नहीं करेंगे, तो लेंथ पे बॉल करानी है, लेंथ अच्छी करनी है, क्योंकि लाइन एंड लेंथ सबसे ज़रूरी होती है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, ताकि ऑफ स्टंप से चार कदम, 1 2 3 4, तो इस एरिया से लेके इस एरिया में बॉल गिराना है मैंने, और फिफ्थ के सिक्स स्टंप तक मैं कोशिश करूँगा कि यही तो पिच करूँ, ज़्यादा बाहर नहीं, क्योंकि लेंथ भी ढूंढनी है पिच पे कि क्या लेंथ है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं रेड बॉल से स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वाइट बॉल में निकालूंगा, क्योंकि वो न्यू है, ये सेमी न्यू है, सेमी न्यू से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये फैक्ट सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि कभी भी आप कलर किट पहने हुए होते हैं तो आप रेड बॉल से बॉलिंग नहीं करते, क्योंकि वो बॉल नहीं दिखता उसके ऊपर, आप वाइट बॉल यूज़ करते हैं जब भी कलर किट पहनते हैं,
लेकिन क्योंकि मेरे पास सेमी न्यू वाइट बॉल थी नहीं और मैं अकेले बॉलिंग कर रहा था क्योंकि बैट्समैन वो कर नहीं रहा था, तो सोच के चलते हैं। यार एक ओवर हो गया, प्रिटी डिसेंट, मज़ा आया, लाइन लाइन तो अच्छी आ रही है और देखते हैं। यार तीन चार ओवर किए मैंने, बड़े अच्छे रहे, गुड प्रैक्टिस सेशन। लेकिन लक की बात करें तो आई वॉज लकी इनफ कि आज एक कराची के मायनाज बैट्समैन आए हुए थे जिनकी बैटिंग देख के आज मैं बड़ा खुश हुआ। तो उमर बिन यूसुफ, ठीक ठाक उमर बिन यूसुफ है मेरे साथ। उमर हम पहले बहुत पहले खेल चुके हैं, आपने बताया, आपको याद है, मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि याद होगा, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो, ये सीज़न आपका बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू। आप बताएं ज़रा कैसे एक्सपीरियंस होता है PSL खेलने का, एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस सीज़न? आई थिंक PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर एज अ यंगस्टर, जैसे कहते हैं कि मैं एज अ यंगस्टर, मुझे काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि काफ़ी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स वहाँ पर होते हैं, तो उनकी उनकी प्रैक्टिस, उनका माइंड सेट, आई थिंक वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए। और मैंने भी काफ़ी ये चीज़ें सीखी है, तो आई थिंक वो मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ इन प्रैक्टिस पे, क्योंकि अभी क्योंकि आगे मैंने और भी क्रिकेट खेलनी है, तो आई थिंक ये मुझे काफ़ी हेल्प करी है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि अपना इधर अपना बेस्ट से बेस्ट करूँ, जो सीखा है उसको आगे मैचेस में मैं इम्प्लीमेंट करूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उमर, हम आपसे बड़ा सीखते हैं, कराची में रहते हुए आप हम सबका नाम रोशन करते हैं। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे अगर आगे मुलाकात हुई और प्रैक्टिस रही तो बड़ा मज़ा आता है। थैंक यू सो मच। मैं उधर देख के बोल रहा था, वो तो नहीं है मसला? नहीं नहीं कुछ मसला नहीं है यार, ये अपना मसला। करेक्शन टू बी मेड, उमर जो हैं वो सिर्फ कराची के नहीं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान ही खेल चुके हैं, पाकिस्तान 19 खेल चुका है, एंड येस ही इज़ मेकिंग हिज फैमिली, हिज सिटी, हिज कंट्री प्राउड। आई होप एंड आई प्रे कि हम जल्दी उमर को पाकिस्तान कलर्स में देखें, एंड ही डज यू नो बेस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द कंट्री एज़ वेल। वेरी गुड प्लेयर यार, मतलब आप ज़रा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड तो उठा के देखें, क्या गेम है वो आएगा। Next time.